वही लड़का, वही कमरा, वही वाइब्स, वही बैकग्राउंड म्यूजिक. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज रमजान एंड ब्लॉगिंग. आज आखिरी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ब्लॉग जो आना था, ये आना था रोज़ों के शुरू में. तो आई गेस कि खैर होती है, खैर होती है, क्योंकि मेरा मूड नहीं था ना मनाने का, तो खैर होती है. वैसे यार आपस की बात है, किसी को ना बताना मत जो आप रोज़े रखते हो वो कहाँ रखते हो. फ्रिज में ना, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो शायद वो ये है कि हाँ, मैंने बालों में स्ट्रीकिंग करवाई है. तो खैर, तो अभी हम आपको आगा न्यूज़, खैर अभी हम आपको एक ताज़ा तरीन न्यूज़ से आगा करते हैं. अम्मी ने बोला है कि बेटा जाओ और जाकर दही टमाटर लाओ. दही तो इस कंपलसरी के सबको पता है. तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं. सही है ना? तो चलें चलते हैं. मैं हूँ सुलेमान और बस. खैर, तो ये सामान लिया है बहुत सारा भाई, कितने काम करने पड़ते हैं. तो हम सब ने अफ्तारी कर ली है और अब हम वेट कर रहे हैं कि चांद नज़र आए और मुफ्ती उन्हें जल्दी से ऐलान करें ताकि कल ईद हो, इंशाल्लाह होगी. तो अभी तो मैं जा रहा हूँ गैलरी में अपनी कि शायद चांद नज़र आ जाए. तो चलिए, तो सबसे पहले मैं गया गैलरी में और फिर मैंने एक एक कोना देखा, लेकिन चांद बिल्कुल नज़र नहीं आया. लेकिन फिर मुझे याद आया कि असली चांद तो घर पर है. मतलब ईद का मौका है और मैं इतनी एक मतलब एक ठंडी तो चलती है ना यार. तो बहुत सारे अभी काम बाकी हैं और नींद भी बहुत आ रही है, तो पहले वो काम निपटाने हैं, फिर उसके बाद सोना है. तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं ईद की नमाज के बाद. तो अलैकुम, सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक और आने वाला साल आप सब लोगों के लिए खुशियाँ लाएँ और सब बच्चों के इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मैं ये दुआ करता हूँ. लेकिन अभी के लिए बाय, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं. तो अभी दावत है, हम जा रहे हैं दादा दादी के घर. तो जो भी सीन है वहाँ पर वो मैं आपको दिखा दूँगा. तो आइए चलते हैं.